नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मल्टीबैगर शेयर के बारे में जो आपको आने वाले समय में मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। तो ऐसे शेयर जब आपको गिरावट में मिलते हैं तो आपको जरूर बाइंग करनी चाहिए, जरूर ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करनी चाहिए लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से। और इस स्टॉक के बारे में पूरे हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, तो पूरी तरह से जानेंगे कि किस लेवल पर आपको बाय करना चाहिए, ये स्टॉक्स आपको कैसा रिटर्न दे सकता है, इसके फंडामेंटल्स को जानेंगे। तो दोस्तों बता दें कि ये भर ग्रीन सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है, जिस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है किसी भी पैंडमिक जो आने वाले हर समय में एक समान रूप से चलेगा। तो वैसे सेक्टर से ये स्टॉक्स है और काफी बेहतरीन स्टॉक्स है। वो स्टॉक्स है हमारा स्कॉट्स लिमिटेड, स्कॉट्स ट्रैक्टर जो कि काफी यूज होता है और ये हर समय यूज होने वाला है क्योंकि एग्रीकल्चर जो हमारा है वो हर समय चलने वाला है। तो आप देखिएगा इसका जो अभी स्टॉक का प्राइस है 1140 रुपया, ये ऑल टाइम हाई पे है, ऑल टाइम हाई पे। पैंडमिक में गिरावट इस के प्राइस में भी हुआ था लेकिन रिकवरी काफी फास्ट, और जो कंपनी का अभी रिजल्ट आया है तो प्रॉफिट भी उसमें डिक्लेयर किया और प्रॉफिट काफी बेहतरीन। तो इसका वैल्यूएशन देख लेते हैं। सबसे पहले 15,000 इसका मार्केट कैप है जो कि हमारा एक मिड कैप कंपनी है। पी है 31.38 का जो कि इंडस्ट्री से कम है, और बुक वैल्यू देखते हैं 259 का है। अर्निंग पर शेयर 36 का है, अर्निंग पर शेयर कितना है 36 का। तो सारे पैरामीटर्स आपको देख लेने हैं। फेस वैल्यू 10 का है और डिविडेंड यील्ड जो है 0.22 का है। प्राइस जो है बुक वैल्यू से 4.4 टाइम्स है। तो ये सारा वैल्यूएशन है कंपनी का। उसके बाद कॉर्पोरेट एक्शन पे चलते हैं। कॉर्पोरेट एक्शन पे यहाँ पर देते हैं क्वार्टरली रिजल्ट 27 जुलाई को ही आ चुका है। उसके बाद आप डिविडेंड देख सकते हैं, जो फाइनल डिविडेंड है वो 25% दिया गया है 2019 में 11 जुलाई को। और सारा डिविडेंड आप देख सकते हैं, हर साल डिविडेंड दिया है कंपनी ने। बोनस देख सकते हैं, बोनस काफ़ी पहले दिया है 87-79। तो यहाँ पर जो अब फिर से आपको इसमें काफ़ी मोमेंटम देखने मिला है और ये इस स्टॉक पे काफ़ी तेजी भी है, और ये स्टॉक आपको फिर से यहाँ पर एक मल्टीबैगर रिटर्न साथ साथ बोनस भी आपको आगे अब देगी ये स्टॉक्स, क्योंकि अब प्राइस आप देख रहे हैं इसका काफ़ी हाई होता जा रहा है। तो जब प्राइस काफ़ी ज़्यादा होगा निश्चित है कि स्टॉक आपको बोनस देगा, साथ साथ स्टॉक स्प्लिट भी होगा क्योंकि फेस वैल्यू 10 है। तो या तो बोनस दे दे आपको या तो स्टॉक स्प्लिट हो जाए क्योंकि प्राइस लगातार इसका हाई होते जा रहा है। फाइनेंशियल पर हम चलते हैं, तो फाइनेंशियल भी काफ़ी कंपनी का बेहतर हुआ है। मैं जून क्वार्टर का इसका रिजल्ट देखेंगे तो 94 करोड़ का प्रॉफिट है, जहां की सारी ऑटो कंपनियां जो है, जितनी भी मारुति सुजुकी है, सारे जितने भी ऑटो कंपनियां हैं, मारुति सुजुकी हो गया, मतलब फोर व्हीलर टू व्हीलर, सारी कंपनियां लॉस पेश की है प्रॉफिट की जगह, जबकि ये कंपनी प्रॉफिट पीस के है 94 करोड़ का। देखते हैं अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करेंगे तो 87 करोड़ था जून 19 में, तो उससे ज्यादा है, तो मतलब प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुआ है। तो काफी बेहतरीन आप समझ सकते हैं कितना बेहतरीन प्रॉफिट है कंपनी। निश्चित है कि इस कंपनी के स्टॉक के प्राइस में आपको इंक्रीजमेंट देखने मिलेगा। तो अब हम चलते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना इसलिए भी बनता है कि प्रमोटर्स जो है उसका व्यू क्या है उस कंपनी में। तो प्रमोटर्स का व्यू देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको निगेटिव दिखेगा। तो जो भी एकदम सही इन्फॉर्मेशन होता है हम आपको बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, ताकि आप भी उससे अपडेट रहें आगे। और सारी चीज़ों को फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, ये तो रेडीमेड रूप से यहाँ पर सारी चीज़ें मिल रही, तो इसमें एनालिसिस करने में कोई कठिनाई भी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 36.59% जुलाई में प्रमोटर्स का स्टेक है, जबकि 40% था मार्च में 40.25। तो यहाँ पर प्रमोटर्स ने स्टेक सेल किया है, क्यों किया है कि अभी देख सकते हैं इसका जो प्राइस है शेयर का काफ़ी हाई है। तो यहाँ पर जो प्रमोटर्स का सेलिंग है वो कहीं ना कहीं हमें निगेटिव न्यूज़ देता है कि इसमें हो सकता है आगे चल करके उतना ग्रोथ नहीं हो, या हो सकता है कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा नीड हो मनी का, तो इसलिए उन्होंने प्रॉफिट बुक किया। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी जैसे इन्फोसिस, उसमें 13% है, बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं। एक ITC है, उसमें भी प्रमोटर्स का स्टेक काफ़ी कम है। तो कई सारी कंपनियां हैं जिसमें प्रमोटर्स का स्टेक काफ़ी कम है, फिर भी वो अच्छी कंपनियां हैं। मतलब प्रमोटर्स भी जो होते हैं, जब एक जनरेशन एक से दूसरा जनरेशन जाएगा तो वो भी तो प्रॉफिट बुक करेंगे ही। तो ये प्रमोटर्स का स्टेक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम नहीं हुआ है, मात्र 4% से कम है, 4% से भी कम है। तो जब वो बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब परसेंटेज में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुआ हो तो वो निगेटिव होता है। तो यहाँ 4% का मात्र डिक्रीज हुआ है प्रमोटर्स के स्टेक में। तो इन सब बातों को ध्यान रखना है, अगर फर्दर डिक्रीज होता है तो निश्चित है कि हम इस स्टॉक में अब इन्वेस्टेड आगे नहीं रहेंगे। तो देखते रहना है आपको, क्योंकि यहाँ पर प्रमोटर्स स्टेक बढ़ाया भी था, यहाँ पर देखते हैं मार्च 29 से जून 29 में,
और यहाँ पर काफी हाई प्राइस पर चल रहा है, तो प्रमोटर्स यहाँ पर थोड़ा सा स्टेक हो सकता है, प्रॉफिट बुक किए हूँ। अब हम कंपनी के बैलेंस शीट को देखते हैं, कंपनी का बैलेंस शीट क्या बता रहा है। तो कंपनी का बैलेंस शीट में रिजर्व जो है 3,357 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। तो कंपनी के पास आपने रिजर्व देख लिया कितना है, मार्च 20 में 3,357 करोड़ का। तो नीचे चलते हैं, तो कंपनी का जो डेप्ट है बिल्कुल जीरो है। तो एक हमें फ़ायदा मिला है कि जो 19 में डेप्ट था काफ़ी ज़्यादा, वो डेप्ट पूरी तरह से कम हो चुका है, मात्र 6 करोड़ का डेप्ट है कंपनी के ऊपर। तो डेप्ट फ्री कंपनी है, तो प्रमोटर्स के थोड़े से स्टेक के सेल होने से हमें कुछ खास निगेटिव मतलब उसे नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अभी प्राइस जो है काफ़ी हाई चल रहा है। तो ऐसे में प्रमोटर्स को भी लगता है कि ये बहुत ही अच्छा समय है, कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया जाए। अब यहाँ पर देखिए कैश और बैंक बैलेंस तो 318 करोड़, तो ये भी बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो हर चीज़ हर पैरामीटर्स जो है आप देखते हैं पॉजिटिव है, बस एक थोड़ा सा प्रमोटर्स का एक स्टेक जो है वो डिक्रीज हुआ है। उसके बाद बुक वैल्यू देखिएगा तो काफ़ी बिल्डअप हुआ है, बुक वैल्यू काफ़ी बिल्डअप हुआ है, 283 हो चुका है 246 से। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस बुक वैल्यू काफ़ी बिल्डअप हुआ है। उसके बाद अलग अलग पैरामीटर्स है, तो हम अलग अलग पैरामीटर्स देख लेते हैं क्या उसमें इंक्रीजमेंट हुआ है या डिक्रीज। तो पहले अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर देखिएगा इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस। उसके बाद है रिटर्न ऑन इक्विटी, तो रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है 13.95%, और उससे पहले के साल में कितना था 16%। तो देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी इंक्रीज हुआ है। उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट ये भी इंक्रीज हुआ है, देखते हैं 4 से 14, 20, 23 अभी 18 पे है, तो थोड़ा सा इफेक्टेड हुआ इस पैंडमिक सिचुएशन से। उसके बाद रिटर्न ऑन एसेट ये भी काफ़ी इंक्रीज हुआ है, रिटर्न ऑन एसेट भी 9 के ऊपर जा चुका है। तो काफ़ी सारे पैरामीटर्स जो काफ़ी बेहतरीन है। उसके बाद करेंट रेशियो ये भी ठीक ठाक है, करेंट रेशियो में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। तो करेंट रेशियो मतलब एसेट बाय लायबिलिटी, तो एसेट ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। करेंट रेशियो देखिएगा तो ये कंपनियां से ज़्यादातर अपने एसेट को बहुत ही इफिशेंटली यूज़ किया है, काफ़ी बेहतरीन तरीके से यूज़ किया है अपने एक्सपेंडिचर पर। तो हर पैरामीटर्स काफ़ी बेहतरीन है। अब हम चलेंगे कंपनी के वेबसाइट पर, देखते कंपनी का जो बिजनेस है वो क्या है। तो कंपनी का बिजनेस है एस्कॉर्ट ट्रैक्टर। आ चुके हैं हम कंपनी के वेबसाइट पर एस्कॉर्ट्स ग्रुप, एस्कॉर्ट ग्रुप। यहाँ पर आप इनके बिजनेस में देखेंगे तो एग्री मशीनरी बिजनेस है और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, रेलवे इक्विपमेंट है। तो कंपनी का बिजनेस भी डाइवर्सिफाइड है, पहला ट्रैक्टर हो गया, फिर एग्री मशीनरी हो गया, उसके बाद रेलवे इक्विपमेंट हो गया। तो ट्रैक्टर के साथ साथ एग्री मशीनरी बनाता है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बनाता है, रेलवे इक्विपमेंट बनाता है। एग्री मशीनरी में आप ट्रैक्टर ही ले सकते हैं और सारे प्रोडक्ट जो है दूसरे दूसरे प्रोडक्ट भी बनाते हैं। तो ये सारे के सारे बिजनेस है इस कंपनी के, तो जो कि इंडिया में भी है और इंटरनेशनल लेवल पर भी। यहाँ आप देख सकते हैं ये ग्राफ है जहाँ जहाँ जिस कंट्री में इनके बिजनेस हैं। तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, तो ऐसे कंपनियां जब आपको मिल रहा है अच्छे प्राइस पर कभी भी इन्वेस्ट करने तो ज़रूर करें। तो अब हम इसके लेवल्स और टारगेट की बात करेंगे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं जीरोधा के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर, ये इंडिया का नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस है। तो यहाँ पर आप सभी चार्ज देख सकते हैं, डिलीवरी पर बिल्कुल 0 चार्ज है, इंट्राडे करते हैं मैक्सिमम 20 रुपया चार्ज है। तो अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक से जाके अकाउंट ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं एस्कॉर्ट अभी करेंट प्राइस इसका चल रहा है 1,140 मतलब 1140 रुपीज़, और इसका RSI में देखते हैं यहाँ पर वीकनेस आ रहा है, मतलब RSI वीक हो रहा है, मतलब प्राइस में ये करेक्शन को दिखा रहा है कि प्राइस में करेक्शन आने वाला है। और यहाँ पर जो 200 डे का मूविंग एवरेज है प्राइस उससे काफ़ी ऊपर है, 200 डे का मूविंग एवरेज है मात्र 800। तो समझ सकते हैं जो लॉकडाउन आया है इसका कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ा। लॉकडाउन से पहले इसका जो प्राइस था वो था 900 समथिंग, और अभी प्राइस जो है वो 1100 समथिंग है, मतलब 1140 रुपीज़ है, और उससे पहले 920 रुपीज़ इसका हाईएस्ट प्राइस था। मतलब लॉकडाउन आने से ये और ज़्यादा मूवमेंट अब अपने पहले के हाई से भी ऊपर जा चुका है। अब बात करते हैं हम लेवल्स और टारगेट का। तो इसका जो लेवल्स होगा, जिस लेवल पर आपको इसमें मतलब इन्वेस्ट करनी चाहिए, तो वो है 900। तो 900 के लेवल पर कभी आता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत नहीं है। और तो टेक्निकल्स क्या बताता है कि आपको किस प्राइस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो 900 इसका सबसे मेजर सपोर्ट होगा, जिस पे आपको तभी मिलेगा जब मार्केट में कोई बड़ा करेक्शन आए। तो आप ये भी याद रखिएगा 900 तभी मिलेगा ना मार्केट में बड़ा करेक्शन आए, और वैसे अगर मार्केट में करेक्शन आपको देखने नहीं मिलता है तो आपको इसका पहला जो सपोर्ट लेवल बनता है वो है 1100 इसका पहला सपोर्ट लेवल बनता है, और वहां से नीचे आता है तो इसका 1000 जो होगा सबसे मेजर सपोर्ट होगा। लेकिन आप बहुत सारा र्यूमर देखिएगा यूट्यूब पर फैलाता है कि मार्केट में करेक्शन आएगा बहुत बड़ा करेक्शन आएगा, तो फिर 900 का वेट कीजिएगा, अदरवाइज़ आप वेट नहीं कीजिएगा। 1100 इसका पहला सपोर्ट लेवल है, और नीचे
1000 इसका सबसे मेजर सपोर्ट लेवल है, तो आप इन सपोर्ट लेवल पर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं SIP मोड में। टारगेट की बात करें तो 1500 और 2000 इसका नेक्स्ट टारगेट होगा जिस तरह से ये मोमेंटम दिखा रहा है। तो ये होगा लेवल्स और टारगेट। अब हम बात करते हैं इसके लॉन्ग टर्म चार्ट का कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो इसका चार्ट क्या बताता है आपको। तो दोस्तों ये है लॉन्ग टर्म चार्ट स्क्वाड का। आप देखते हैं कि ये यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन आया था, मतलब जब जब मतलब मार्केट में करेक्शन आया है भारी तभी तभी इस स्टॉक में भी गिरावट आया है। तो लॉन्ग टर्म के लिए देखिएगा तो चार्ट काफ़ी बेहतरीन है, मतलब हमेशा चार्ट यहाँ पर देखेगा तो अप ट्रेंड है पिछले 10 साल से। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।